हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विवेक मिश्रा एचडी चैनल पर। मैं प्रिया मिश्रा आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, हिंदी व्याकरण। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। अभी तक तो आपने हमारे वीडियो पर फ्री ऑफ कोर्स बहुत सारे वीडियो देखे, इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ा रहे थे, टेंसेस वगैरह हुआ, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वगैरह चल रहे हैं, और बीएससी के भी आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित जो हमारे दोस्त डेप ओ लेबर ट्रिपल सी वगैरह कर रहे हैं, उनको भी हमारे फ्री ऑफ कोर्स वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो हमारे दोस्त टेट सीटेट वगैरह भी कर रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम 100% गारंटी लेते हैं जो हम बताने चल रहे हैं, इसमें से कुछ न कुछ आपका जरूर फंसने वाला है, कम से कम 50% यही क्वेश्चन आएंगे। कुछ भी होता है टॉपिक, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो तो उसमें से जरूर फंसने वाला है, क्योंकि अगर टेट का एग्जाम भी या फिर सुपर टेट या सीटेट का एग्जाम आप लोग देने जा रहे होते हो तो उसमें भी अगर हिंदी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज के से हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप हो सकते हैं, पुटअप होंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में रस लेकर के आए हैं, जो ये पीने वाला रस नहीं है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये रस। रस आखिर होता क्या है? तो ये सब जो अलंकार, काव्य, सौंदर्य ये सब वगैरह होते हैं, जो हिंदी व्याकरण होता है उसी में हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, रस। तो चलिए हम रस के बारे में आज लेकर के चलते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रस होता है काव्य को। और पहले बात, अगर पूछ लिया जाए काव्य क्या होता है, तो आप लोग जानते ही हैं काव्य हमारा क्या होता है, पोएट्री। क्या होता है? जिसका हम गायन कर सके। प्रोज और पोएट्री में यही डिफरेंस होता है कि प्रोज जो होता है गद्य होता है, जबकि लिटरेचर होता है लिटरेरी होता है, लेकिन जो हमारा ये क्या होता है, काव्य होता है, ये हमारा क्या होता है, पोएट्री होता है, जो पद्य होता है, जिसे कविता कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने एवं देखने। तो दोस्तों, काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने एवं देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, वही क्या होता है, रस होता है। जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ये इंग्लिश में जूस वाला रस नहीं है भैया, गन्ने का रस, ही गुड़ का रस, चीनी का, जो कुछ बना लेते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, पढ़ने वाला रस है। यानी कि रस क्या होता है कि काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने एवं देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो इसके चलिए हम देख लेते हैं प्रकार कितने होते हैं। अभी तो ये हम डिफिनीशन वाले पढ़े हैं, अब इसके देखेंगे टाइप्स ऑफ रस, यानी कि प्रकार। प्रकार अब हम देखते हैं दोस्तों, हेडिंग डालिए आप लोग प्रकार। अगर हमारा वीडियो नहीं समझ में आता है तो फिर से रीओपन करिए, उसके बाद कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए। अगर रफ और पेन साथ में नहीं लेकर बैठते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होने वाला है। अगर रफ पेन साथ में लेकर रखेंगे तो हमारे वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, उसको नोट डाउन फटाफट कर सकते हैं। तो हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, प्रकार। तो ये क्या होता है, रस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब चलिए, अब उन चारों के हम प्रकार बताएंगे, उसके बाद प्रकार बताने के बाद भी उसके भी टाइप्स होते हैं, तब हम आप आगे के आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अभी तक तो हमारा हुआ रस, यानी कि काव्य को पढ़ने, सुने, कोई भी काव्य होता है, अगर कविता होती है उसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, उससे जो हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो क्या होगा, रस होगा। अब उसके प्रकार कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम रिमूव करते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्री हमारा ऑफ कोर्स आप वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग। चलिए होगा, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार हैं। चार प्रकार के हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा अस्थाई भाव। क्या होगा? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। उसके बाद नेक्स्ट, पहले हम एक नोट्स की तरह लिखा दे रहे हैं, चारों प्रकार लिखा देंगे, फिर एक एक के टाइप्स बताए, डिफिनीशन बताएंगे, डिफिनीशन बेस आप लोगों को टाइप्स सब कुछ मिल जाएगा। तो अस्थाई भाव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विभाव, थर्ड हमारा आता है अनुभाव, अनुभाव, फिर फोर्थ हमारा आता है संचारी भाव। क्या आता है? संचारी भाव। ये भाव होते हैं, भावना आप लोग समझते हैं, इमोशन जिसे कहते हैं, यानी कि भावनात्मक जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे अंदर की इंटरनल होती है। आउटरनल तो होता है बाहरी चीजें, लेकिन जो इंटरनल होता है वही हमारा भावनात्मक होता है। आप लोग जैसे कि नाउन में पढ़ेंगे, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को जस्ट मिलने वाला है वीडियो, उसमें पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन हमारे पांच टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा भावात्मक ही नाउन, उसमें भी पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा हुआ अस्थाई भाव। उसके बाद सेकंड होगा विभाव, थर्ड होगा हमारा अनुभाव और फोर्थ होगा संचारी भाव। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब हम पढ़ाएंगे पहला वाला, पहला हम क्या पढ़ाएंगे? अस्थाई भाव। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अस्थाई भाव। तो अभी रस के वह फर्स्ट स्टेप पर हम चल रहे हैं, अस्थाई भाव। आखिर अस्थाई भाव का डिफिनीशन क्या है, इसको लिख लेते हैं फटाफट। मनुष्य के हृदय में सदैव यानी कि हमेशा सदैव विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव हमारा हुआ मनुष्य के हृदय में, जो हमारे इंटरनल, अभी अभी आपको तुरंत हम प्रीवियस मैंने बताया स्टेटमेंट बताए कि जो हमारा अंदर की चीजें होती है, जो हमारे हृदय में होती है, जो आत्मा से जुड़ी हुई कनेक्टेड होती हैं, वो हमारा क्या होता है? भाव, भाव कहलाता है। तो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाले भाव, हमेशा क्या रहने वाले, प्रेजेंट रहने वाले भाव हमारे क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव कहलाते हैं, अस्थाई भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। ये तो अभी हमारा क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। अब इसको बताएंगे कि ये अस्थाई भाव होते कितने हैं। तो इसमें आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए कि इनको, इनकी संख्या 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कोई भी अगर आप लोग अच्छा काम करने चलते हैं एनी एरिया एनी टॉपिक पर, तो उसमें कमेंट्स आते हैं। अब कमेंट्स आते हैं तो कोई होता है पक्ष में आता है, कोई विपक्ष में आता है, तो इसमें जो है कमेंट इसमें भी जरूर आया है। तो इनकी संख्या तो पहले 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है, आप लोग अगर जब तक कॉफी और पेन आप अपने साथ नहीं लेके बैठेंगे, हमारे वीडियो को पुश करके आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे कथा बाजने से कोई काम नहीं चलने वाला। जब तक उसको नोट डाउन फटाफट नहीं करेंगे, एक बार फिर से नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान जो भावनाएं रहती है, हमारे हृदय में जो हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, जैसे आप लोग कुछ काम कर रहे होते हो तो उसमें देखते हो ना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छा जाहिर रहती है, हमेशा कुछ ना इच्छा बनी रहती है, तो वही हमारा अस्थाई भाव होता है। कि उस समय में जो प्रेजेंट होता है वही हमारा अस्थाई होता है। तो इनकी संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वान वात्सल्य रस को भी
मान्यता देते हैं, यानी कि ऑलरेडी इनके कितना था, नाइन था रस, इनके कितने थे, नाइन थे, लेकिन जो है कुछ विद्वान उसमें और कमेंट आकर के कमेंटर बन गए कि इसमें वात्सल्य रस को भी क्या किया गया जाए, ज्वाइंट किया जाए दोस्तों। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बताएंगे अस्थाई भाव के वो नौ संख्या और ये वात्सल्य को भी ज्वाइंट करके हुआ। चलिए तो अब अस्थाई रस में वो नौ संख्या के कितनी है, अब डाल लीजिए हेडिंग अस्थाई भाव की संख्या। अस्थाई भाव की जब हम संख्या डालेंगे तो वो कितनी थी, नौ थी। इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले दोस्तों रस डालेंगे, पहले तो हमारा एक रस होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ बगल में ही उसका क्या होगा, अस्थाई भाव होगा। तो नौ हमारे कितने रस माने गए हैं और उसके ही साथ ही उसका एग्जाम्पल भी थी, यानी कि उसको बताया गया है कि ये कौन सा अस्थाई भाव। क्वेश्चन आपके ऐसे पुटअप होते हैं कि इस रस के अस्थाई भाव को बताइए, कि इस रस का अस्थाई भाव क्या होगा या फिर इस अस्थाई भाव का रस क्या होगा। फटाफट हम लोग लिख लेते हैं उसको। पहले होगा हमारा क्या, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होता है, होता है रति। ये जो श्रृंगार रस है हमारा, इसका क्या होगा दोस्तों, कलम बना लीजिए, जो रस है इसका अस्थाई भाव हमारा क्या होगा, श्रृंगार का रति होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं हास, क्या लिखेंगे, हास, हास रस, हास का क्या होगा, हास्य होगा। यानी कि अगर पूछता है क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए कि ये जो हम कॉलम बनवा रहे हैं अभी, 10 जो कॉलम बनेंगे इसी से संबंधित आप लोगों को रस बिल्कुल भी मिल जाएगा। मल्ली आपको एक ऐसा ट्रिक हम बताएंगे कि डिफिनीशन तुरंत फटाक से चुटकियों में याद हो जाएगा। सिर्फ तो सिर्फ आप लोगों को समझना क्या होगा, सिर्फ एग्जाम्पल, वो भी दो मिनट में आप लोग क्लियर कर लेंगे, और डिफिनीशन तो चुटकियों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बस एक डिफिनीशन ऐसा ट्रिक है कि एक डिफिनीशन बस आप लोग रस और अस्थाई भाव क्लियर कर लीजिए, आपको डिफिनीशन तैयार। तो देखिए डिफिनीशन हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे, पहले आप लोग इसको कॉलम तो बना लीजिए, श्रृंगार का हुआ रथ, उसके बाद हास का हास्य हुआ, फिर हमारा क्या आता है, ये श्रृंगार हो गया, रथ हो गई उसकी, हास का हास्य हो गया, फिर करुड़ रस आता है, क्या आता है, करुड़, करुड़ रस का क्या होगा, शोक होगा, अस्थाई भाव शोक मतलब दुख। फिर हम क्या कर लेते हैं, वीर रस हमारा क्या होगा, वीर, वीर का क्या होगा, उत्साह। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि श्रृंगार का रति हुआ, हास का हास्य हुआ, और करुड़ का हमारा शोक हुआ, वीर का हमारा क्या होगा, उत्साह होगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए हुआ। चार हो गया है, उसके बाद पांचवा हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है, कहां तक हम बताए थे, ये हम वीर तक बता दिए थे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, रौद्र, रौद्र का क्या होता है, क्रोध, क्या होता है, क्रोध, रौद्र का हमारा क्या होगा, अस्थाई भाव क्रोध होगा। फिर हम छठवें पे चलते हैं, भयानक, ये कॉलम बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, भयानक का क्या होगा, भय होगा, भयानक का भय हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, अभी तो ये पांचवा हुआ, रौद्र का क्रोध हो गया, उसके बाद भयानक का हमारा भय हो जाएगा, फिर विभत्स आता है, क्या आता है, विभत्स, विभत्स मतलब क्या होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब आप लोग जानते हैं घृणा होता है, क्या होता है, हेटेड कहते नहीं है, हेटेड मीम, वह या फिर कोई भी कहता है कि मैं उससे घृणा करता हूं या फिर वह मुझसे घृणा करता है, तो बीभत्स का हमारा क्या होगा दोस्तों, जुगुप्सा हो जाएगा, यानी कि घृणा करना हो जाएगा। फिर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तीन और बचे हैं, बता देते हैं तुरंत से, रौद्र का हमारा क्रोध हुआ, भयानक का भय होगा, अस्थाई भाव, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे कि
रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा? आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर से जरूर ये पूछे जाएंगे कि रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा। तो आप लोगों को टी ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कैसे आता है। तो तीन चार क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। अगर टिक कर लिए तो एक नंबर आपको मिल गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, बस 5 मिनट के काम के लिए तुरंत आप लोगों को नंबर मार्किंग मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, सात हो गए थे, आठवां हमारा आता है अद्भुत। क्या आता है? अद्भुत। अद्भुत का हम क्या करेंगे दोस्तों? अद्भुत तो हमारा रस हो गया, इसका हमारा अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। मतलब कि आश्चर्य प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है। फिर हमारा नौवां आएगा, नौवां आता है हमारा क्या? वात्सल्य। क्या आएगा? वात्सल्य। एक लास्ट में बताए थे, चाहे वात्सल्य को आप लोग लास्ट में करिए या फिर पहले कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में करना चाहते हैं क्योंकि वो लास्ट में उसकी मान्यता दी गई थी, तो यहाँ पे एक रस और बचता है, शांत जिसे कहते हैं। इसका हमारा स्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद, यानी कि बिना वेद के। अगर शांत है कोई बिना वेद के, यानी कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वो हमारा शांत है, तो उसका स्थाई भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। फर्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है, दसवां क्या आता है? वात्सल्य। वात्सल्य दिया गया था ना, चाहे वत्सल कहिए तो उसका वात्सल्य हो जाएगा, और वात्सल कहेंगे तो वत्सल हो जाएगा। वात्सल्य का हमारा दोस्तों वत्सल। अगर यही वत्सल हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका स्थाई भाव वात्सल्य हो जाएगा। सेम यही तो एक है, एक हास्य में एक वात्सल में, सेम कंडीशन में ये लगेंगे। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक तो हम रस पढ़ा रहे थे, रस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हुआ वात्सल का, हो गया अस्थाई भाव वत्सल, या फिर हम वत्सल का अगर यहाँ पे रस लिख रहे हैं तो अस्थाई भाव हमारा वात्सल्य हो जाएगा। उसके बाद रस तो हम बता दिए कि चार प्रकार के होते हैं। अभी ये किसके टाइप चल रहे थे? अस्थाई भाव के चल रहे थे। अब भी भाव पाने के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज ये वीडियो आज यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।